पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उत्कृष्ट मौर्य का नया दांव, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। डिप्टी सीएम फडणवीस का दावा, पिछले दो चुनाव में हमारा जैसा प्रदर्शन रहा वैसा ही 2024 में भी रहेगा। मुंबई में विपक्ष पर बरसे राज ठाकरे, पंडित नेहरू के बाद बाबरी मस्जिद पर भी दिया बयान। बागी विधायकों पर जेजेपी का एक्शन, विधानसभा अध्यक्ष से की सदस्यता खत्म करने की मांग। रोडवेज बस ने हाईवे किनारे खड़े डंपर को पीछे से मारी टक्कर, कई यात्री घायल। रायबरेली में मनोज पांडे को घेरने का प्लान तैयार, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की कांग्रेस में एंट्री। क्या बीजेपी को है आरएसएस के समर्थन की जरूरत, जेपी नड्डा बोले अब हम अपने भरोसे। प्रज्वल के वीडियो को वायरल करवाने में डिप्टी सीएम का हाथ, 100 करोड़ रुपए की हुई थी पेशकश। भाजपा नेता ने लगाया आप, शरद पवार बोले गुजरातियों के लिए पीएम मोदी का रोड शो करना गलत। आज थमेगा पांचवें चरण का चुनाव प्रचार, 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।